दोस्तों कुछ लोग दिन रात मेहनत करके पैसा कमाते हैं और कुछ लोग अपने स्मार्ट वर्क से कुछ घंटों में बहुत पैसे जोड़ देते हैं। लेकिन इनसे परे चोरों की बात ही कुछ अलग है, क्योंकि ये शातिर चोर लोगों के कमाए हुए पैसों को कुछ मिनटों में यूं ही उड़ा ले जाते हैं और इन लोगों को चूना लगा देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत बात है। लेकिन दोस्तों इन चोरों की किस्मत हर बार उनके साथ नहीं होती। कई बार इनकी ये कारस्तानियां कैमरे में कैद हो जाती है और ये धर लिए जाते हैं, और जब पब्लिक पकड़ती है ना तो ऐसा सूझती है कि याद रखो। तो प्यारे दोस्तों देखते रहिए चोरों की काली करतूते। आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। अरे साथियों शुरू करेंगे इस चोर कपल की इस वीडियो के साथ। देखिए दोनों कैसे यहाँ मिलके दीवार पर लगे टीवी को चुरा रहे हैं। सबसे पहले ये शख्स टीवी को हिलाता है, लेकिन तभी कॉरिडोर से दूसरे आदमी को आता देख के ये औरत उसे चेता देती है और फिर ये दोनों लग जाते हैं टीवी को अच्छे से देखने। इसके बाद ये शख्स कुर्सी को उठाकर टीवी के नीचे रखता है और फिर लग जाता है टीवी को दीवार से उतारने। और देखिए कितनी चालाकी से ये दोनों मिलकर टीवी को चुरा रहे हैं। ये आदमी टीवी को उतार लेता है और फिर विंडो से बाहर रख देता है ताकि बिल्डिंग से जाते हुए उन्हें कोई देखे ना, और ये बाहर से टीवी उठाकर चलते बने। लेकिन भैया टीवी चुराने के बाद इस कपल को ऐसा लगा कि इन्हें किसी ने देखा नहीं है। वो भैया हमने तो देख लिया पर अब पुलिस देखेगी क्या समझे। दोस्तों अक्सर हम जब भी बाइक से कहीं जाते हैं तो अपनी बाइक को बाहर खड़ा कर देते हैं, लेकिन अब जो वीडियो हम आपको दिखाने वाले हैं उसे देखकर आप ऐसा करने से पहले कई बार सोचोगे। यहाँ ये दोनों लड़के बाइक पर आए, फिर एक बाइक लेकर खड़ा हो गया और दूसरा उसकी आड़ में लग गया बाइक के हैंडल लॉक को तोड़ने। और देखिए कैसे इसने अपनी होशियारी से बाइक के हैंडल को तोड़ दिया, फिर ये बाइक पर बैठ गया और हैंडल को फ्री करके चलता बना। दोस्तों लोग कैसे कैसे पैसे जोड़कर बाइक और कार खरीदते हैं और ये चोर 2 मिनट में उसे लेकर फरार हो जाते हैं। इनका कुछ तो करना पड़ेगा। दोस्तों आप चोरी की ये वीडियो देखिए, जहां ये चारों शख्स इस फोन की दुकान में घुस गए, जिसमें से एक दुकान वाले से फोन के फीचर दिखाने को कहने लगा और फिर क्या था, अंकल जी लग गए फोन के फीचर बताने कि तभी पीछे से ये शख्स मौका पाते ही आ गया और फोन के 2 डिब्बे चुरा कर ले गया, जिसका पता अंकल जी को लग नहीं पाया। दोस्तों ये चोर रोज नए नए तिकड़म भिड़ा कर चोरियां करते हैं। लेकिन ये चारों अपनी ट्रिक की बदौलत फोन को उड़ा ले गए, पर ये लड़का गजब कर गया। पहले इसने फोन का कैमरा देखने के बहाने फोन को उठाया, चल बेटा सेल्फी ले ले रहे, और फिर एक झटके से रफू चक्कर हो गया। यह लौंडा घोड़े की रफ्तार से भागा, भाग मिल्खा भाग। मगर यहाँ सवाल यह है कि इन तीन बंदों को लड़के पर जरा भी शक नहीं हुआ, क्यों? और ये बेचारे उसे भागता देखने के सिवाय कुछ नहीं कर पाए। दोस्तों दुकान पर बेहद चौकन्ना रहना पड़ता है, क्योंकि चोर कब कौन सी ट्रिक दिखा दे ये कोई नहीं जानता। और ऐसी ही एक ट्रिक ये लड़का इन बूढ़े अंकल के सामने दिखा गया। पहले इसने काउंटर पर पैसे रख दिए, जिसके चलते बूढ़े अंकल ने अपना लॉकर खोला और फिर ये कहने लगा मुझे तौलिया दिखाओ। उसके बाद अंकल जी तौलिया दिखाने लगे। इतने में इसका एक और साथी आ गया, जिसने अंकल का ध्यान दूसरी ओर दिलाया। फिर पहले इसने तौलिया को अपने एक हाथ में फैला लिया और अंकल से दूसरे तौलिया को निकालने की बातें करने लगा। और जैसे ही अंकल ने कपड़े की ओर देखा, इसने तौलिया के आड़ में कब नोटों की गड्डी अपनी जेब में डाल ली अंकल को मालूम ही नहीं पड़ा। उसके बाद इसने अपने पैसे उठाए और चलता बना। दोस्तों ऐसे शातिर चालाक चोरों से सावधान, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करना ना भूले। औरतों को साड़ियों का बहुत शौक होता है, मगर इस औरत को साड़ी चुराने का शौक है। देख रहे हैं कैसे ये एक के बाद एक अपनी साड़ी में साड़ियां छुपाए जा रही है। लगता है मैडम को इनका पति साड़ियां नहीं दिलाता, तो मैडम ने सोचा क्यों ना 2-4 साड़ी दुकान से टपा ली जाए। लेकिन दोस्तों ये मैडम तो अकेली थी, पर औरतों की इस गैंग से मिली है। ये औरतें इतनी शातिर है कि इन्होंने अपने सूट के नीचे ये कपड़े दुबका लिए और फिर ऐसे प्रटेंड करने लगी कि इन्होंने कुछ नहीं किया है। ऊपर वाला सब देखता है और कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड करता है। और ऐसा ही कुछ रिकॉर्ड हुआ यहाँ पर, जहाँ हाथ में बच्चा लिए ये औरत सिर्फ कपड़ों को ही नहीं बल्कि उसमें लगे हैंगर को भी अपनी साड़ी में छुपा ले गई और उसमें इसका साथ दिया दूसरी औरत ने।
अगर ऐसी बीवियां मिल जाए ना तो आदमियों को कभी कपड़े दिलाने की जरूरत ही ना पड़े। साथियों, अब जब कपड़े चुराने की बात हो रही है तो लगे हाथों ये क्लिप देखिए, जहां ये मोहतरमा अपनी साड़ी के नीचे एक नहीं बल्कि कई कई साड़ियां छुपा ले गई। मार्केट में आजकल चोर ही नहीं चोरनियां भी बहुत हो गई है। अगर आपकी दुकान है तो आप भी सतर्क रहें। अरे बाबा, इन वीडियो को देखने के बाद अगर आपके मन में यह ख्याल आता है कि ये चोर हर बार चोरी करके निकल जाते हैं तो ऐसा नहीं रो भाई, इस चोर से मिलिए, ये बकलोल आदमी। अरे पहले तो गेट को पार करने के लिए उसके ऊपर चढ़ गया, लेकिन ये उसे पार कर पाता उससे पहले ही गेट खुल गया। और गाड़ी भी आगे बाबा, ये फिर अफरा तफरी में उसकी पैंट गेट में ऐसी फंसी कि उसका चिथड़ा उड़ गया। पर देवा देवा देवा, ये अच्छा इसकी पैंट गई, अगर ये लोहा कहीं और घुस जाता तो ये चोर दोबारा कभी चोरी करने का लायक ही नहीं रहता। लेकिन दोस्तों, इस जैसी होशियारी इस चोर ने भी दिखानी चाहिए जो दुकानदार से फोन देखने का बहाने फोन लेकर भागने लगा, पर दुकानदार ने इसे धर दबोचा और बता दिया कि बेटा कैमरा लगा है सर पर, नौटंकी करोगे तो जेल में डलवा देंगे, फिर पुलिस चाचा कूट कूट के तुम्हारी चटनी बनाएंगे। दोस्तों, कई बार चोरों का बैड लक भी होता है, जैसे ये चोर जिसने साइकिल का हैंडल जैसे ही पकड़ा हैंडल उसके हाथ में रह गया। अरे घोचू, तू साइकिल चुराना चाह रहा था या उसका हैंडल? गजब पागल है यार, चलो निकलो यहाँ से। भाई लोग, यह चोर सिर्फ कपड़े या बाकी प्रोडक्ट ही नहीं चुराता बल्कि ये तो स्टेशनरी का सामान भी नहीं छोड़ता। यह लड़की पहले दुकान में घुस गई और फिर नीचे बैठ गई, फिर एक के बाद एक चीजें उठाकर अपने बैग में भरने लगी, लेकिन इतने में भी इसका पेट नहीं भरा, इसने अपने पैंट और टॉप के नीचे भी सामान को छुपा लिया। अरे क्या जमाना है, लोग पढ़ाई लिखाई की चीजें भी नहीं छोड़ रहे, कन्ना चूस कर। अरे इन बेगम जान से मिलिए, इनका काम देखकर भाई जान की भी जान निकल जाएगी। ये और इनकी दो महिला साथी दुकानदार से कपड़े निकलवाने लगती है, तब इन्होंने पहले पैर से सूट के पैकेट को अपनी ओर किया, और फिर इनकी साथी एक सूट ले आई इन्हें दिखाने को, जिसके पीछे ये बेगम जान झुकी और सूट का पैकेट गायब। इसी तरह ये तीनों महिलाएं जो एक ज्वेलरी शॉप में घुस गए और लगे ज्वेलरी देखने, वही तीसरी ने मौका पाते ही ज्वेलरी साफ कर दी। अगर ऐसी महिलाएं दुकान पर आए तो दुकान देखते ही देखते खाली हो जाए। भैया फोन लैपटॉप और बाकी गैजेट्स की तो दुनिया दीवानी है, लेकिन इन आंटी जी को तो लैपटॉप ही चाहिए। तो लो जी, लैपटॉप उठाया, मौका पाया और इसे साड़ी के नीचे दुबकाया और यहाँ लगे कैमरे ने आंटी जी को फिल्माया। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी चोर को रंगे हाथों पकड़ा है तो जल्दी से कमेंट में बता दीजिए। अब बारी है आपको इस चबन चोटे से मिलवाने की। देखिए, जब इस पर दुकान वालों को शक हुआ तो उन्होंने इसकी पैंट खुलवा दी और फिर उसमें से यह लगा एक के बाद एक चीजें निकालने, मानो हर प्रोडक्ट की फैक्ट्री इसकी पैंट में ही लगी हो। अच्छा है। पर दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये जनाब ऐसी चोरी में माहिर है तो जरा इन मोहतरमाओं से मिलिए, इन्होंने अपने सूट के नीचे शॉप के आधे प्रोडक्ट छुपा लिए। बाप रे बाप, ऐसा टैलेंट ये लोग लाते कहां से है? फिल्मों में ट्रक के पीछे लटक कर चोरी करना तो आम बात है, लेकिन इन चोरों ने रियल लाइफ में भी ये कर दिखाया। इन्हें देखकर लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब चोर हेलीकॉप्टर से चोरी करने निकलेंगे। साथियों, अब ऐसे चोरों से मिलते हैं जिन्होंने एक से एक चीजों को अपने कपड़ों में छुपा लिया। सबसे पहले अन्ना, जिन्होंने छुपा लिया अपने लूंगे में गन्ना, माफ कीजिए, मतलब ये जो भी सामान था, अन्ना तो मेरा नाम है। और ये मोहतरमा, जिन्होंने पूरी तेल की बोतल पलक झपकते ही पचा ली। अब लगे हाथों इस महिला से मिले, जिसने मौका पाते ही अपने कपड़ों में ऐसा बैग छुपाया कि कोई शक भी ना कर पाए। अरे भैया, इतनी मेहनत ये महिलाएं पैसे कमाने में करे तो इससे ज्यादा चीजें खरीद ले, और इनको जो है सिर्फ हाथ साफ करना आता है। साथियों, वीडियो का अंत करते हैं इस वीडियो के साथ, जहां इन दो औरतों ने फ्लावर पॉट ही चुरा लिया।
दोस्तों चोरी की अतरंगी करामात को यहीं विराम देते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट में जरूर लिखें। प्यारे दोस्तों कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। और हाँ, अपना बेहद कीमती वक्त आपने मुझे दिया उसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और जल्द ही मिलेंगे हम लोग।